मैं कह सकता हूं कि अपने पूरे राजनीतिक जीवन में जवानी का ऐसा उफान मैंने नहीं देखा था जो कि राजस्थान की धरती पर मैं देख रहा हूं। बहनों भाइयों, यह जनसैलाब मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान के किसी भी राजनेता की सार्वजनिक सभा में इतना बड़ा जनसैलाब आज तक किसी ने नहीं देखा होगा जो आज हम यहां अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। मैं सारे राजस्थान की तरुणाई से अपील करना चाहता हूं कि मेरे नौजवानों, शांत हो जाओ। और मैं अपना भाषण प्रारंभ करने के पहले इस देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और साथ ही साथ हमारे हिंदुस्तान की चुनाव अभियान के महारथी श्री नरेंद्र भाई एवं लगातार 78 दिनों तक इस राजस्थान की वीर भूमि पर अपनी यात्रा करने वाली, सुराज संकल्प की यात्रा करने वाली राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री नहीं बल्कि राजस्थान की भावी मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा श्री गुलाब चंद जी कटारिया, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सत्यपाल जी मलिक, श्री कप्तान सिंह जी सोलंकी, श्री सौदान सिंह जी, श्री भूपेंद्र जी यादव और श्रीमती किरण माहेश्वरी, यहां उपस्थित मेरे सभी बहनों एवं भाइयों, राजस्थान की इस धरती पर सबसे पहले तो मैं शीश झुकाकर मैं अपने सारे बुजुर्गों को चरणों में प्रणाम करता हूं और जो हमारे नौजवान हैं उनको मैं अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी जानते हैं यह राजस्थान की धरती, यह राणा प्रताप की धरती है, उनके शौर्य और पराक्रम की धरती है। यहां पर राणा प्रताप के शौर्य और पराक्रम की धरती यह राजस्थान है, वहीं पर यह धरती भामा शाह जैसे दिलेरों की धरती है, वहीं पर यह धरती मीराबाई जैसे तपस्वियों की धरती है, वहीं पर पन्ना धाय जैसे त्यागी माताओं और बहनों की धरती यह राजस्थान की है। इस राजस्थान की धरती को बहनों भाइयों मैं नमन करता हूं। विगत 5 वर्षों से राजस्थान में कांग्रेस की हुकूमत है, श्री अशोक गहलोत इस राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं 5 वर्ष के पहले जब कांग्रेस की सार्वजनिक सभाएं होती थी तो कांग्रेस का हर नेता आकर, जिसमें कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया जी भी शामिल हैं, यही कहा करती थी कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनाओ, यहाँ की गरीबी हम दूर करेंगे, यहाँ के नौजवानों की बेरोजगारी को हम दूर करेंगे, यहाँ सड़क, पानी, बिजली की जितनी भी समस्याएं हैं हम दूर करेंगे। लेकिन 5 वर्षों की इस कांग्रेस की हुकूमत में इस राजस्थान में बहनों भाइयों आपने देखा होगा कि इस हुकूमत ने अपने एक भी वादे को पूरा नहीं किया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम सभी जानते हैं जो भी सरकार बनती है उस सरकार की प्रमुख रूप से 5 जिम्मेदारियां होती हैं। पहली जिम्मेदारी होती है जनता को सुरक्षा मुहैया कराना, दूसरी जिम्मेदारी होती है उस राज्य के नौजवानों को शिक्षा मुहैया कराना, तीसरी जिम्मेदारी होती है स्वास्थ्य मुहैया कराना, और चौथी और पांचवी जिम्मेदारी होती है सड़क, बिजली और पानी की सुविधा उपलब्ध कराना। लेकिन एक भी सुविधा राजस्थान के नागरिकों को 5 वर्षों के अंदर इस गहलोत की सरकार ने मुहैया नहीं कराई है। इसके पहले भी 5 वर्षों तक वसुंधरा राजे की भी सरकार को आपने इस राजस्थान में देखा है। कोई भी यदि वसुंधरा जी की सरकार और अशोक गहलोत की सरकार की यदि कोई तुलना करे तो स्वाभाविक रूप से इस नतीजे पर पहुंचेगा कि राजस्थान में बेहतर हुकूमत चलाने वाली यदि कोई पार्टी है तो वह भारतीय जनता पार्टी है
और राजस्थान में हुकूमत चलाने वाला कोई बेहतर नेता है तो उस नेता का नाम है वसुंधरा राजे, जो कि मुख्यमंत्री के रूप में इस राजस्थान का विकास कर सकती है। बहनों भाइयों, 9.5 वर्षों से दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार काम कर रही है। जब से कांग्रेस नेतृत्व की यह यूपीए सरकार आई है, हिंदुस्तान में कैसा माहौल पैदा हुआ है बताने की जरूरत नहीं है। बच्चे बच्चे को एहसास है, महंगाई तेजी के साथ बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, लोगों का जीना दूभर हो गया है, गरीबी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। आए मेरे नौजवानों, याद दिलाना चाहता हूं, भारत माता के सपूत अटल बिहारी वाजपेयी की भी हुकूमत तुम लोगों ने देखी है, देखा होगा। आंकड़े उठाकर देखो, आंकड़े उठाकर देखो। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने यह कहा है, 1998 से लेकर 2004 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदुस्तान के नौजवानों के रोजगार के लिए 6,70,00,000 रोजगार के नए अवसर सृजित करने का काम किया। लेकिन 2004 से लेकर 2010 तक यह कांग्रेस की सरकार ने तुम्हें बेरोजगार बना दिया है, तुम्हें अपाहिज बना दिया है, और केवल 27,00,000 रोजगार के अवसर इन्होंने मुहैया कराए हैं। सारे अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा को इन्होंने धूमिल किया है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, एक अमेरिका की मानी जानी पत्रिका समाचार पत्र न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने समाचार पत्र में लिखा, कहा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री या पूरी तरह से प्रभावहीन हो गए हैं, वहां सत्ता के 2 केंद्र बन गए हैं। यदि सरकार चल रही है तो सत्ता के दूसरे केंद्र यानी कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी का जो एक केंद्र है उसके निर्देश पर सरकारें इस हिंदुस्तान में चल रही है। क्या भारत की प्रतिष्ठा इस प्रकार के अंतरराष्ट्रीय जगत के समाचार पत्रों में समाचार छपने के परिणाम स्वरूप धूमिल नहीं होती है? भारत की आन बान शान को यदि चोट पहुंचाने का काम किया है तो यहां कांग्रेस की हुकूमत ने चोट पहुंचाने का काम किया है। भ्रष्टाचार का बोलबाला की सीमा तक हो गया है, हर जगह भ्रष्टाचार, जल हो, थल हो, नभ हो, तीनों में भ्रष्टाचार का आलम इस कांग्रेस की हुकूमत ने पैदा कर दिया है। मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूं। एक बुढ़िया थी, बुढ़िया के कमर में दर्द था, वह डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के पास गई, क्योंकि उनके नाम के पहले डॉक्टर लगा हुआ था। उसने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, हमारे कमर में दर्द है, हमारे कमर के दर्द के की व्यवस्था कीजिए। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा, तुमको 5,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता देता हूं। तो उस बुढ़िया ने कहा, नहीं हमें नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा, 10,00,000 देता हूं। तो उन्होंने कहा, नहीं चाहिए। तब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने बुढ़िया ने यह कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, आपने जिसके ऊपर हाथ रख दिया वह गायब हो गया, आपने कोयले के ऊपर हाथ रख दिया कोयला साफ हो गया, आपने फाइलों पर हाथ रख दिया फाइल साफ हो गई, आपने सोने पर हाथ रख दिया सोना साफ हो गया, आपने रुपये पर हाथ रख दिया रुपया साफ हो गया। मनमोहन सिंह जी, हमारे कमर के ऊपर हाथ रख दीजिए, हमारे कमर का दर्द भी साफ हो जाएगा, हमें पैसा नहीं चाहिए। यह तो हालत है हिंदुस्तान की, यह कांग्रेस की सरकार ने बना रखे। यहां पर 11 पार्टियों का समर्थन यूपीए को बाहर से प्राप्त है, और 3 ऐसी पार्टियां हैं जिनका 11 पार्टियों का अंदर से समर्थन प्राप्त है यूपीए को, और 3 पार्टियां ऐसी हैं कि उनका बाहर से समर्थन प्राप्त है, और एक ऐसा है
जिसका नाम सीबीआई है, तो उसका कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए की सरकार को ऊपर से समर्थन प्राप्त है। इसीलिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और आरजेडी लालू यादव की पार्टी यह समर्थन देने का काम कांग्रेस को कर रही है। लेकिन जहां तक सीबीआई का सवाल है, बहनों भाइयों ध्यान से सुन लो, नौजवानों तुम्हारे लिए अपील करना चाहता हूं, याद रखना नरेंद्र भाई की लोकप्रियता इस हिंदुस्तान में बढ़ने के कारण कांग्रेस के लोगों के कलेजे में जलन हो रही है। और यह सब सारे लोग आपने देखा कि आज के कुछ दिनों पहले किस तरीके से एक डीआईजी के द्वारा पत्र लिखवाया गया नरेंद्र भाई की छवि को धूमिल करने के लिए, इस प्रकार की हरकतें की गई हैं। और मैं यह बतलाना चाहता हूं, शांत होकर सुन लो, आगाह करना चाहता हूं नौजवानों, तैयार रहना, जरूरत पड़ेगी तो हिंदुस्तान की सड़कों पर इस देश के नौजवानों को आगे आना होगा। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूं, कांग्रेस की हुकूमत इस समय हताश हो चुकी है, कांग्रेस की हुकूमत इस समय निराश हो चुकी है। और हमारे गुजरात में जिन्होंने विकास का एक नया मॉडल खड़ा किया है और हिंदुस्तान में जिसने लोकप्रियता के एक नए आयाम स्थापित किए हैं, उस नरेंद्र भाई को तरह तरह से बदनाम करने के लिए अनर्गल आरोप लगाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मैं आज पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि नरेंद्र भाई आप हिंदुस्तान की धरती पर अकेले नहीं हो, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी। और इतना ही नहीं हिंदुस्तान का नौजवान भी आपके साथ खड़ा रहेगा, यह भरोसा और विश्वास दिलाता हूं। और आज अंतिम अपील करके यह अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं, मेरे बहनों भाइयों एक बार सारा हुजूम, और मैं अपने इलेक्ट्रॉनिक चैनल के मित्रों से भी कहूंगा, आप अपने कैमरे का आप मुंह घुमाइए और देखिए, हाथ उठाकर कह दो कि यहां पर राजस्थान में यदि सरकार बनेगी तो जो यशस्वी मुख्यमंत्री यहां की रह चुकी हैं वसुंधरा जी के नेतृत्व में दो तिहाई बहुमत से सरकार बनेगी। हाथ उठाकर बोलो, सभी समर्थन दो अपना, वसुंधरा जी अरे अभिवादन स्वीकार करिए, हाथ उठाकर सभी अपना समर्थन दीजिए बहनों भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको विश्वास दिलाता हूं नरेंद्र भाई भी आएंगे चुनाव के बाद, जब सरकार बनेगी वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बनेगी, नरेंद्र भाई भी आएंगे और मैं भी आऊंगा, तो अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आएंगे हम लोग, बल्कि शीश झुकाकर राजस्थान की जनता का अभिनंदन करने के लिए आएंगे, आप सभी का स्वागत करने के लिए आएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।